नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का सी जी पी एस सी व्यापम प्रिपरेशन चैनल में दोस्तों हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अध्याय तीन में धारा अट्ठारह और उन्नीस पढ़ेंगे आज कल हमने धारा सोलह और सत्रह देखा था आज हम धारा अट्ठारह और उन्नीस देखेंगे दोस्तों दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप इसे अंत तक देखें और ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आप लोगों को एक बार में सब कुछ समझ आ जाए तो चलिए दोस्तों धारा अट्ठारह में देखिए दोस्तों धारा अट्ठारह जो है वो है राज्य आयोग पर लागू प्रक्रिया राज्य मंच द्वारा शिकायतों के निपटारों के लिए धारा बारह तेरह और चौदह के उपबंध और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम राज्य आयोग द्वारा विवादों के निपटारे के लिए उन सुधारों के साथ लागू होंगे जो कि आवश्यक हो याद रखिए धारा अट्ठारह है राज्य आयोग पर लागू प्रक्रिया अब इसी में है दोस्तों धारा अट्ठारह का जिसमें उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 15 द्वारा विलोपित हुआ है इसके बाद अगर हम बात करें तो धारा 19 जिसमें अपीले हैं जैसे धारा 17 के खंड क के उपखंड एक में द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य आयोग द्वारा दिए गए आदेशों से पीड़ित कोई व्यक्ति उस प्रारूप अथवा तरीके में जो कि निर्धारित किया जाए आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग को उस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है याद रखिएगा कितने तीस दिनों के अवधि के भीतर वो राष्ट्रीय आयोग में अपील दर्ज कर सकता है याद रखिए जो व्यक्ति है उस प्रारूप तरीके में जो कि निर्धारित किया जाए आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग को उस आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है इसके बाद हम परंतु देखें तो यह और जब जबकि एक व्यक्ति द्वारा कोई भी अपील जिसे राज्य आयोग के आदेश अनुसार किसी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है राष्ट्रीय आयोग द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी निर्धारित तरीके में उस राशि का पचास परसेंट अथवा पैंतीस हजार रुपये जो भी कम हो जमा नहीं कर देता याद रखिएगा इससे पहले हमने पच्चीस हजार रुपये पढ़ा था जब हमने देखा था कि वो कहाँ अपील करेगा राज्य आयोग में और अब यहाँ जब राष्ट्रीय आयोग में अपील कोई अगर करता है तो पैंतीस हजार रुपये जमा करना पड़ेगा या पचास परसेंट जो भी राशि है उसका तो ये याद रखने वाली बात है कि तीस दिन के भीतर राष्ट्रीय आयोग में हमें उसके विरुद्ध अपील करना है और कि याद रखिएगा कि पैंतीस हजार रुपये जो भी कम हो हमें जमा करना है जब हम राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करने जाते हैं तब तो धारा अठारह था राज्य आयोग पर लागू प्रक्रिया धारा अट्ठारह का अब धारा उन्नीस में थे अपील अब धारा उन्नीस क में है अपील की सुनवाई देखिए अपील की अब सुनवाई देखिए राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दाखिल अपील जितनी संभव हो अति शीघ्र सुनी जाएगी और इसकी प्रविष्टि की तिथि 90 दिनों की अवधि के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा परंतु यह तब जबकि राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग द्वारा जो भी मामला हो साधारणतः कोई भी स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि पर्याप्त कारण नहीं दिखाए जाते और स्थगन की स्वीकृति के कारण ऐसे आयोग द्वारा लिखित में रिकॉर्ड नहीं कर लिए जाते परंतु यह और तब जबकि स्थगन द्वारा उत्पन्न हुई लागतों के राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग जो भी मामला हो लिए आदेश करेगा जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए नियमों में प्रदान किया गया है इसके बाद देखें तो ऐसी उल्लेखनीय अवधि के पश्चात शिकायत का निपटारा करने की अवस्था में उस शिकायत का निपटारा करने के समय उसके लिए राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग जो भी मामला हो लिखित में कारणों को रिकॉर्ड करेगा तो याद रखिए दोस्तों राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दाखिल अपील जितनी संभव हो अतिशीघ्र सुनी जाएगी और इसकी प्रविष्टि की जो तिथि है वो होगी नब्बे दिनों की अवधि के भीतर याद रखिए हमें याद रखना है कि धारा उन्नीस में तीस दिन के भीतर हमको राष्ट्रीय आयोग में आदेश के विरुद्ध अपील करना है जहाँ पे पैंतीस हजार रुपये अब अभी अपीलार्थी को जमा करना है और इसका प्रक्रिया क्या है ये है तो दोस्तों आज हमने पढ़ा धारा अट्ठारह धारा उन्नीस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसके बाद दोस्तों हम आगे की धारा मेरे अगले वीडियो में रहेगी तब तक दोस्तों आप इसे रिजन करिएगा बार बार सुनिएगा आप लोगों को याद हो जाएगा और इसके बाद हम इसे जल्दी से ख़त्म करके हमारे अगले वीडियो में जैसे ही ये खत्म होगा ये चैप्टर इसमें अभी टोटल धाराएं हैं टोटल तीस धाराएं हैं इकतीस धाराएं तो अभी हमने उन्नीस धाराएं की है बची हुई धाराओं को करके हम आगे आवश्यक वस्तु अधिनियम उन्नीस सौ पचपन है उसकी जो भी धाराएं हैं वो वो देख लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप लोग के पचास नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी जो छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोग उसे भी कर लीजिएगा दोस्तों तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को मेरा वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे दोस्तों इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों और अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा इसे देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें तब तक के लिए दोस्तों अलविदा अब हम मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में